राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सीढ़े एक बार फिर तक स्वागत करूँ। तो और सुना दो भाई, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल आ रहे हो के ज्ञान तारे। तो भाई दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की जो नई भर्ती आनी है तमने बेरा है भाई, तो उससे संबंधित है दो नए नोटिस जारी करे एस एस सी ना। ठीक है, एस एस सी की तरफ तक दो नए नोटिस आए हैं कि भाई पेपर तक संबंधित भाई नोटिफिकेशन तक रिलेटेड और है। ठीक है, और बारहवीं पास की भर्ती है, करीबन 8,500 पदों के ऊपर यह भर्ती होनी है। सिलेबस की है, एग्जाम पैटर्न की है, उम्र कितनी है, तनख्वाह 40,000 प्लस 45,000 के आसपास है। अंतिम 65 दिन के अंदर तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आज एतवार यानी कि संडे का दिन था तो इसलिए आज क्लास नहीं लग पाई, वरना डेली रात को 8 बजे है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए जीके की क्लास है, जो कि 50 नंबर की आएगी पेपर के अंदर, डेली लगती है। तो आप लोग भी अगर क्लास लगाना चाहो तो अपना चैनल से सब्सक्राइब कर सको हो, डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास लगती है, ट्रिक के साथ जीके याद करवाई जाती है। अगर आप लोगों को सैंपल देखना हो तो अपना चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का मजा आगे देख लियो दिल्ली पुलिस जीके, उधर अपना मेरा पढ़ जाए किस डाल की क्लास हो, किस तरीके से ट्रिक के साथ प्रश्न याद करवाए जाए। इफ देखो क्या दो नोटिस आए हैं भाई, क्या कुछ मामला है। पहला तो भाई यो नोटिस आया है, दोबारा आया है यो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन पहला भी आया था नोटिस, सिर्फ दोबारा फिर आया है। कमीशन है शेड्यूल टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में है, एसएससी के द्वारा है ये पेपर है करवाए जाएंगे और फरवरी 2024 के अंदर भी करवाए जाएंगे, जिसके अंदर कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस जो कॉन्स्टेबल का जो एग्जाम है मेल और फीमेल, उसका एग्जाम आपका 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक दोबारा आया ये नोटिस। ठीक है, और ये करवाया जाएगा 1 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आप सभी को पता है 1 सितंबर 2023 को है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के फार्म भरने शुरू हो जाए 1 सितंबर 2023 से। आज तारीख 20 तारीख होगी, 10 दिन हो रहे हैं सारे, 10-11 दिन, 31 तक का महीना है वो। ठीक है, और 30 सितंबर इसकी फार्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, और उसके बाद ये देखो आपका 14 नवंबर से तो तारे पेपर शुरू है, तो इससे पहला तैयारी माला को जिस जगह सिलेक्शन होगा। उसके बाद MTS है जो दिल्ली पुलिस के अंदर, उनके आपके फरवरी के अंदर पेपर 6 फरवरी से स्टार्ट है, एक तो नोटिस यू आया तारा। ठीक है, उसके अलावा एक और नोटिस है, ये तो आपका मतलब अभी आगन बताऊंगा तैयारी कैसे करनी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की, क्या कुछ क्राइटेरिया है, उम्र के अंदर छूट मिलने की पॉसिबिलिटी है, नहीं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, एक नोटिस ये आया था, कल आया था CGL का जो मेन्स का पेपर है वो 25, 26, 27 अक्टूबर ना होना है, CHSL का 2 नवंबर को होना है, मेंस के पेपर हैं, जूनियर इंजीनियर के 4 दिसंबर को, और सब इंस्पेक्टर जो CPO का है वो 22 दिसंबर को होगा, मेंस के पेपर हैं। ठीक है, CPO का परी का भी अक्टूबर के अंदर होगा, ये दो नोटिस आए थे भाई। अब देखो एग्जाम पैटर्न आप सारे ना बेरा है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का, कि इसके अंदर आप लोगों की क्या है जिक्के आओगी भाई। ठीक है, मेनली जो पोर्शन है वो आपका जिक्के कवर अप करेगी, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, उसके अलावा मैथ आओगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर की, रीजनिंग आओगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर आओगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 100 पर्सन आओगे 100 नंबर के आओगे। पिछले साल की जो कट ऑफ है अलग अलग कट ऑफ थी भाई, जैसे 2016-17 के अंदर जब दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था उस टाइम इसकी कट ऑफ गई थी 77 के आसपास, 75-77 के आसपास इतने जनरल कैटेगरी की। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या है, उस टाइम आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कब है 2016-17 की बात। लेकिन अभी जो फिलहाल जो रिसेंटली हुआ था 2019-20 में, 2019-20 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 72 के आसपास। ठीक है, जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितने गई थी 72 के आसपास, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो कम से कम पिछले साल के हिसाब से आपका सेफ स्कोर है वो आपका 72 प्लस तो रहना ही रहना चाहिए, कुल मिला के समझो 75 के आसपास अगर आप स्कोर करने लग रहे हो, 75 के आसपास, आसपास यानी कि इससे एक नंबर ऊपर या नीचे अगर आप स्कोर करने लग रहे हो तो लगभग समझो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट जो भी लगा के देखने लग रहे हो, अगर उसके अंदर आपका स्कोर 75 के आसपास है और अगर आपको सिलेक्शन भी लेना है और आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 75 के आसपास का तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अकेली जीके 50 नंबर लेके आएगी और अकेले ये मैथ रीजनिंग कंप्यूटर 50 नंबर देंगे, तैयारी आपको इस हिसाब से करनी है जैसे मैं बताऊंगा अब किस सब्जेक्ट के अंदर मतलब किस नए नंबर की तैयारी करनी है और कैसे करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अंदर 90 मिनट का आपको समय मिलेगा यानी करीबन 1.5 घंटे का, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 नंबर की, करीबन 4% गलत करोगे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देखो जीके के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर की, जीके के अंदर कभी भी आप लोग 50/50 का स्कोर नहीं कर सकते,
कभी भी नहीं कर सकते भाई। चाहे आप लोग कितना हंगा लगा लियो, चाहे ताम यो 14 पोरी अलर्ट है ना यो भी लगा दियो पेपर का, तो भी ताम है कदे भी 50/50 का स्कोर नहीं कर सकते जिक्के का अंदर। ठीक है, जिक्के के अंदर आप लोग मैथ है, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के अंदर आप लोग 15/15 का भी स्कोर कर सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भी। मैक्सिमम कम से कम 14 का तो स्कोर आप लोग कर ही सकते हो, 14% तो ठीक कर ही सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है, करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अगर मैथ के अंदर आपके 10 नंबर आने लग रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, सच्ची बात है, बहुत ही रेयर चांस आपका नंबर आएगा। आगे बात समझ में, अगर आप और किसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, और किसी कैटेगरी में भी उनकी कट ऑफ के हिसाब से आप लोग 2-3% कम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप लोग मैथ के अंदर 14 से या 13 से अगर कम का स्कोर करने लग रहे, 10 के आसपास स्कोर कर रहे हो मैथ के अंदर, तो आपका सिलेक्शन होना लगभग असंभव के आसपास ही। रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के हैं, इसके अंदर भी आपको कम से कम 23-24% तो ठीक करने पड़ेंगे। कंप्यूटर के अंदर 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के हैं, कम से कम 8-9% इसके अंदर भी आपको ठीक करने पड़ेंगे। आपको इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-2% छोड़ सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम कहा मैंने, मिनिमम से मिनिमम तो 1-1% हो सके तो पूरे पूरे नंबर आए, अगर पूरे पूरे नहीं आते तो भी 1-1% या 2-2% गलत करोगे तब जाके गुजारा होगा, तब जाके सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचोगे। ठीक है, जिक्के के अंदर आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते 50/50, जिक्के के अंदर आप लोग ये है 30-35 का स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये समझो 50 ये है आपका, ठीक है, 50 के अंदर से मान लो आप 2-2% भी गलत करते हो तो भी करीबन ये समझो आप लोग इसके अंदर 44 नंबर तो गेन कर सकते हो, यानी 2-2, 4-2, 6। ठीक है, इस 50 का पोर्शन है तो भी 44 नंबर तो गेन कर सकते हो, 44 नंबर तो ले सको हो। उसके अलावा 44 के अंदर अगर मान लो यहाँ पर आप लोग जिक्के के अंदर 30% भी ठीक करते हो तो भी आपका करीबन 74 के आसपास का स्कोर चले आएगा, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि SSC की जो जिक्के होती है ना, SSC की जो जिक्के होती है वो बच्चों का खेल नहीं है, UPSC एस्पिरेंट्स की फिल्टर ला देती है, SSC की जिक्के ऐसे आती है। ठीक है, SSC की जिक्के आपकी ऐसी आएगी, फिल्टर पढ़ चाहे आप कितना है, सब कुछ पढ़ जाइए, सब कुछ रगड़ जाइए, जमा तैस नैस कर दियो तो भी 15-20% इसके ऐसे आते हैं, 50 के अंदर से 15-20% ऐसे आएंगे जो आपने ना कभी पढ़े होंगे, ना कहीं सुने होंगे, ना कुछ और तुक्के मारोगे तो तुक्का लग भी जाए, नेगेटिव मार्किंग के साथ सिमट भी सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो करीबन ये समझो इतना तो आपको सेफ स्कोर करना ही पड़ेगा पर सब्जेक्ट, जिक्के के अंदर 30 नंबर तो लेने ही लेने पड़ेंगे। मैथ रीजनिंग के अंदर आप लोग मैक्सिमम 2-2% का लॉस उठा सकते हो, उससे ज़्यादा उठाओगे तो खतरे की तरफ बढ़ते जाओगे। आगे बात समझ, क्योंकि जिक्के के अंदर पूरे नंबर नहीं आ सकते, 30-35 नंबर का भी मैंने सेफ स्कोर बताया, 30 के आसपास होए तो भी वो सेफ स्कोर में ही गिना जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ज़्यादा फोकस आपको मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के ऊपर डालना है, जिक्के के ऊपर भी बराबर का ही फोकस रखना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना। जिक्के को अगर हल्के में लिया तो जिक्के आपका पत्ता साफ कर देगी। जिक्के की डेली लाइव क्लास अपने चैनल के ऊपर लगती है, तभी करने लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लियो ताकि लाइव क्लास डेली लगा सको। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल आप लोगों को पता है हाइट नर कैंडिडेट की है 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अगर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है तभी आप फार्म भर सकते हो। साथ में आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप लोग क्या हो, मेल कैंडिडेट हो। नर कैंडिडेट को ये सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस, मादा को ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मादा के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए भाई। चेस्ट है नर कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर की छाती प्लस 4 सेंटीमीटर की फुलावट, 4 सेंटीमीटर कम से कम छाती फूलनी चाहिए और नॉर्मल छाती 81 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। उसका दौड़ है 1600 मीटर की दौड़ है 6 मिनट के अंदर पाड़नी है नर कैंडिडेट को। ठीक है, मादा कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट के अंदर पाड़नी है। लॉन्ग जंप जो दौड़ के बाद क्यों और शक्तिमान बन की उड़ना है, ठीक है, वह लॉन्ग जंप लंबी कूद 14 फुट दूर कूदना है भाई। ठीक है, छोरी आना 10 फीट दूर कूदना है भाई मादाओं को। हाई जंप है इन्ना नराना 3 फुट 9 इंच यानी कि इतने उच्चो बनो कैया के होनू लंबी लंबी नो टैंकर किरनू 3 फुट 9 इंच ऊंचा कूदना है नराना। ठीक है, मादाओं ने मात्र 3 फीट ऊंचा कूदना है, तो ये इसके फिजिकल स्टैंडर्ड रहोगे भाई। ठीक है, तो आप लोगों को सारा का सारा सिस्टम बता दिया है, ये दो नोटिस आए थे इनके बारे में जानकारी देती है। तनख्वाह आपकी करीबन मोटी मोटी 45,000 के आसपास रहेगी, तो मन लगा के तैयारी कर लो। आखिरी के 65 दिन का टाइम रह रहा है, उसके अलावा आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं है, फालतू का टाइम मत समझो इसको, बहुत प्रीसियस टाइम है। अगर आप लोग ये समझो अगर आज आप लोग खेलने लग रहे हो, बाहर घूमने लग रहे हो, ठीक है, रील्स के ऊपर टाइम पास करने लग रहे हो, शॉर्ट्स के अंदर टाइम पास करने लग रहे हो, तो ये समझो कोई ना कोई बच्चा ऐसा भी जो इस टाइम लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने लग रहे हो और आप इस टाइम टाइम पास करने लग रहे हो, तो वो बच्चा जाहिर सी बात आपसे आगे है। ठीक है भाई, आप खेलने लग रहे हो, अगला बच्चा कोई
पन्ना पढ़ने लग रहा है तो जाहिर सी बात आपका अग्गा लिखेगा। ठीक है, तो अपने टाइम को एक एक मिनट कीमती है, वेस्ट ना करें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें और सिलेक्शन लें और अपना वर्दी लेने का सपना है पूरा करें भाई। यही सूचना आप लोगों को देनी थी। सारे थे राम राम, धन्यवाद, लाना ले रहे हो, खेच जाओ फटाफट।